को ग्रीन चैनल पे सभी दोस्तों को स्वागत है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दोस्तों मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ, जो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो मैं मेरा पर्सनल खेती का होता है। मैं अपने खेती का वीडियो ज़्यादातर बनाता हूँ, इसलिए बहुत सारे दोस्त होते हैं जो पूछते हैं कि एक ही वीडियो बार बार क्यों डाल रहे हो। एक ही खेती का वीडियो बार बार डालता हूँ, इसलिए डालता हूँ कि क्योंकि जो खेती में खुद करता हूँ उसी के ऊपर एक्सपीरियंस करके जो मेरा एक्सपीरियंस होता है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि दूसरों की खेती पे जाके दूसरे लोगों के साथ पूछताछ करके मैं आप लोगों को वो वीडियो बनाऊँगा। दोस्तों ये अपना जो खेती है मैं ये इसलिए शेयर करता हूँ कि अगर दोस्तों को थोड़ा सा भी आइडिया मिलता है, जितनी भी यूथ है, अनएम्प्लॉयड यूथ है, अगर वो इस खेती को नया नया करना चाहता है, जो भी आप लोगों को दिक्कतें आता है उस दिक्कतें से अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्प मिलता हो तो इसी लक्ष्य से मैं ये वीडियो बनाता हूँ। मेरा जो खेती है दोस्तों, पीछे आप लोगों को देख रहा होगा, ये सऊदी अरबियन का डेट पाम है, खजूर है ये, जो कि सऊदी अरब में पाया जाता है, सऊदी अरब में होता है। तो पिछले साल मेरे दो प्लांट्स पे फ्रूटिंग भी आया था और इस साल अभी तक नहीं आया है, अभी भी फ्रूटिंग सीजन नहीं आया है। तो फिलहाल मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मेरा जो खेती है, मैं पूरा घूम के दिखाऊंगा आप लोगों को। पीछे आप लोगों का वहाँ पे बारीवान माल्टा का प्लांट भी दिख रहा होगा और यहाँ पे मैंने ड्रैगन फ्रूट्स की खेती भी किया हुआ है, जो अभी लगभग 8-9 महीना हुआ है, अभी 1 साल होने को जा रहा है। तो दोस्तों 1 साल होने से, 1 साल के अंदर मेरे यहाँ पे कितना प्रॉब्लम्स आया है और कैसे कैसे मैं इसको कैरिंग कर रहा हूँ, उसी के ऊपर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों ये है मेरा जो खेती, ये आप लोग को दिख रहा होगा, ये सऊदी अरब का खजूर का पेड़ है। और ये देखिए दोस्तों, इसमें अभी ये जो खेती है ये आप लोगों को दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे खाद भी डाला हुआ है, यहाँ पे खाद डाला हुआ है। और ये देखिए इसका ग्रोथ देखिए, इसमें नया नया ब्रांचेस निकल रहे हैं, अभी नया नया ब्रांचेस निकल रहे हैं, दिख रहा है आपको। यहाँ देखिए दोस्तों, ये है गोबर का खाद, जो मैं ऑर्गेनिक पूरा ऑर्गेनिक खाद डाल रहा हूँ इस खेती में। यहाँ पहली बार लोग भी लगाए हुआ है, सुबह को काम किया है और शाम को भी करेंगे। ये देखिए इसमें ब्रांचेस निकले हैं बहुत सारे, ये देखिए इसमें बहुत सारे ब्रांचेस निकले हैं, जो कि बहुत ही हेल्दी दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा। ये देखिए ये जो ब्रांचेस है, तो दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ ख्याल रखना पड़ेगा, ये जो ब्रांचेस आप लोगों को दिख रहा है पूरा ब्रांच आप लोगों को नहीं रखना है। ये जो नया नया पौधे देख रहे हैं इनको, ये जो नया ब्रांचेस आए हैं इसको कटिंग करके मैं नया और अलग से दूसरा प्लांट्स में यही से बनाऊंगा। और यहाँ से सिर्फ एक ही ब्रांच ये जो है मैं इसको रख के, ये बाकी जो यहाँ पे आप लोगों को नया ब्रांचेस दिख रहा है वो मैं कटिंग करके नया पौधा बनाऊंगा यहाँ से, क्योंकि आप लोग अगर इससे ज़्यादा ब्रांचेस अगर आप लोग नीचे रखेंगे तो इसका जो खाद होता है पूरा खाद यही ब्रांचेस खा जाएंगे, क्योंकि ऊपर से आप लोग को फ्रूट्स भी लेना पड़ता है। ये ऊपर में जो ब्रांचेस आते हैं यहाँ से आप लोग को फ्रूट्स भी लेना पड़ेगा। अगर आप नीचे ज़्यादा ब्रांचेस रखेंगे तो आप लोग को फ्रूट्स आने में दिक्कतें होंगे, या फिर आप लोगों का फ्रूट्स का जो साइज होता है वो छोटा छोटा हो जाएंगे, इसलिए आप लोग को ये ध्यान में रखना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों मैं कैसे खाद डाल रहा हूँ, यह है गोबर का खाद मैं डाल रहा हूँ। ये देखिए ये पूरा के पूरा ऑर्गेनिक खाद है और ये अभी मैं डाल रहा हूँ। इसमें खाद डालने के बाद मैं पानी भी डालूँगा, थोड़ा थोड़ा पानी भी देना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे भी नया नया ब्रांचेस निकल रहे हैं, इनमें से मैं एक ब्रांच रख के बाकी ब्रांचेस में कटिंग करवा लूँगा, कटिंग करवा के मैं वहाँ से नया पौधा बनाऊँगा, ऐसे होते हैं। ब्रांचेस जो आए हैं ये आप लोग को दिख रहा होगा, हाँ दोस्तों, इस ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए आप लोगों को और एक चीज ख्याल में रखना पड़ता है, यहाँ पे फंगस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है, तो इसमें
फंगिसाइड यूज़ करना पड़ता है, जो कि मैं एम स्टार तब यूज़ करता हूँ, साफ करके भी एक मिलता है वो भी यूज़ करता हूँ। जो ये यहाँ पे जो लाल लाल दाग दिख रहा है, इससे हटाने के लिए आप लोग को मेडिसिन यूज़ करना पड़ता है, वो मेडिसिन आप लोग को यूज़ करना पड़ेगा। ये फंगस के लिए भी होता है और विटामिन कम होने से भी होता है। तो अभी मैं खाद डाल रहा हूँ, उसमें विटामिन भी स्प्रे करना पड़ेगा। ये आप लोगों को दिख रहा होगा साइड में बहुत सारे ब्रांच निकल रहे हैं यहाँ से। दोस्तों, कोई भी अनएम्प्लॉयड यूथ जो पढ़ाई करने के बाद इस खेती को करना चाहते हैं, जरूर करें, क्योंकि आप लोगों को पता है इस खेती का हम लोग की जो स्टेट है त्रिपुरा में, अभी भी खुले बाज़ार में ये 300 में मिलता है, पर किलो 300 में मिलता है, 300-400 किलो करके मिलता है। और अगर आप सुपर मार्केट में जाते हो, इसका 600-800 तक किलो मिलता है। सुपर मार्केट में इसका वैल्यू ज़्यादा होता है। तो कोई भी किसान भाई और अनएम्प्लॉयड यूथ अगर इस खेती को करना चाहता है, तो मैं ज़रूर कहूँगा आप लोग इस खेती को कीजिए। जॉब की प्रिपरेशन आप ज़रूर कीजिए, उसके साथ साथ आप लोग इस खेती को एक इनकम सोर्स बना के कर सकते हो। जैसे कि आप लोगों को मैं एक बेसिक नॉलेज देता हूँ। आप लोग अगर 100 प्लांट्स भी अगर आप लोग लगाते हो, अगर 2 साल बाद आप लोग की इस पौधे पे इस एक ही पिलर में से अगर आपको 3 किलो भी अगर फ्रूट्स मिलता हो, 3 किलो फ्रूट्स मिलने से अगर 300 में सेल करता हो, तो 2 साल बाद आप लोगों को सिर्फ 100 पिलर में से ही आप लोगों को मिलेगा 90,000 करके मिलेगा, हर ईयर 90,000 करके मिलेगा। अगर इससे भी ज़्यादा फ्रूटिंग आता है, तो इसका हिसाब आप लोग लगा के देखिए, बहुत ज़्यादा मुनाफा मिलता है। सो दोस्तों, मैं आप लोगों को अनएम्प्लॉयड जो भी हो, आप लोग इस खेती को करने की कोशिश कीजिए, इससे आप लोगों का बहुत ही लाभदायक होगा।